हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस विशालकाय ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण के बराबर है। ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखकर सेती नाम की संस्था कई सालों से पृथ्वी के बाहर जीवन को तलाशने का अभियान चला रही है। ये खोज आज भी चल रही है। कई सालों पहले हमें एक वाव सिग्नल मिला था जो किसी दूसरे सौर मंडल से आया था। वैज्ञानिकों के लिए वो दिन खुशी का था। सब ये मान चुके थे कि हमने परग्रहियों को ढूंढ लिया है, लेकिन अफसोस, दोबारा हम उस सिग्नल को ट्रैक नहीं कर पाए और ना ही हम उस सिग्नल का सही मतलब निकाल पाए। लेकिन अब नासा ने एलियंस को ढूंढने के अपने इरादे को और ज्यादा मजबूत कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करेगा। आप जो ये रोबोट देख रहे हैं, ये लंबे समय तक पानी में रह सकता है। हवा के विपरीत दिशा में रहकर ये अपना काम कर सकता है। एक प्रयोग के तौर पर इसे फिलहाल अंटार्कटिका में रखा जाएगा। वहां रहकर ये रोबोट वहां के वातावरण का आकलन करेगा, क्योंकि दूसरे ग्रहों का वातावरण हमारे पृथ्वी के जैसा नहीं होगा। ऐसे भी ग्रह होंगे जो बर्फ से ढके हों या जहां तेज हवाएं या तूफान आते हों। इन सब परिस्थितियों में ये रोबोट काम कर सकता है या नहीं, ये देखने के लिए अंटार्कटिका में इसकी प्रैक्टिस चल रही है। ये रोबोट असल में दो पहियों वाला एक रोवर है जिसकी लंबाई 1 मीटर की है। इस प्रोजेक्ट को बियॉन्ड रोवर फॉर अंडर आइस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस रोवर को ब्रू नाम दिया गया है। कैलिफोर्निया के जेट प्रोविजन लेबोरेटरी के संशोधक एंडी क्लेस और केविन हैंड का मानना है कि दूर के किसी ग्रह के समुद्र पर अगर जीवन पनप रहा हो तो यह रोबोट इसका पता लगा सकता है। क्लेस ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नासा ने गुरु ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर नजर रखने के लिए यूरोपा क्लिपर ऑर्बिटर को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और इस मिशन को 2025 में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। दरअसल यूरोपा बर्फ से जमा हुआ चंद्रमा है और वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंका जताई है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, जिससे ये रोबोट वहां पर जीवन को ढूंढने के लिए काम आ सकता है। यूरोपा और शनि ग्रह का चंद्रमा एनसिलेट्स पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और उस बर्फ के नीचे समुद्र के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका के बर्फीले स्थान बिल्कुल यूरोपा और एनसिलेट्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए इस रोबोट के द्वारा इस मिशन की तैयारी यहाँ की जा रही है। ब्रू ऐसी जगहों में डुबकी लगाने वाला है जहाँ आज तक हम पहुंच नहीं पाए। नीचे की गहराई में पानी में कितना ऑक्सीजन है, दबाव की मात्रा कितनी है और तापमान कितना हो सकता है, इस बारे में यह रोवर पता लगाएगा। यह सब जीवन होने के जरूरी लक्षण है। इन जगहों की इमेजेस और डेटा को यह कंट्रोल लूप में भेज देगा। यह रोबोट इतना सक्षम है कि यह अपने आप ही जरूरत के मुताबिक ऑन हो सकता है और बर्फीले समुद्र में महीनों तक रह सकता है। इसके पहले अलास्का और आर्कटिक के समुद्र में इसका परीक्षण हो चुका है। अब अंटार्कटिका की समुद्र की गहराइयों में स्वतंत्र रूप से यह अपना काम करेगा और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दूसरे ग्रहों के चंद्र पर इसे और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करना होगा। अगर ब्रू रोवर दूसरे ग्रह पर जीवन का पता लगा लेता है तो यह एक क्रांतिकारी खोज होगी।